नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक आपको थंबनेल से पता चला होगा, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर में किसी भी जो ड्राइव होगा उसका लेटर आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ उस ड्राइव को आप मनचाहे नाम कैसे दे सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, ये जो ड्राइव्स होते हैं ये हमारे डिस पीसी में हमें मिल जाते हैं, तो हम डिस पीसी ओपन करते हैं। शायद आपके डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन भी हो, अगर आइकॉन नहीं आता है तो वो आइकॉन कैसे लाना है ये इसके लिए भी मैंने वीडियो पहले ही बनाया है, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस पीसी लिखते हैं, मेरा हिंदी चालू है। तो हिंदी ये जो लैंग्वेज है किस तरह से आप डेस्कटॉप पे ला सकते हैं टाइप करने के लिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसे जाके एक बार जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस पीसी और यहाँ से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेरा डिस पीसी है, ठीक है, लोकल डिस्क सी, और यहाँ पे लोकल डिस्क पे मेरा विंडोज इंस्टॉल है और ये 2TB इसलिए मैंने इसको नाम दिया है कि ये जो 2TB की WD मतलब वेस्टर्न डिजिटल की एक मेरे हार्ड डिस्क है जो कि मैंने 2TB की ली थी, अब उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अब क्यों लिया कैसे लिया और उसका अनबॉक्सिंग भी मैंने बताया है, मेरे चैनल पर वो वीडियो होगा, वो एक बार ज़रूर देख लीजिए, बहुत अच्छी हार्ड डिस्क है। अब इसको मैंने उसके नाम से रख दिया, अब मुझे वो नाम भी चेंज करना है और साथ ही साथ ये जो मेरा विंडोज़ ई लेटर है जो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ असाइन करती है उसको भी मुझे चेंज करना है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करिए। तो इसका नाम बदलने के लिए आपको कोई नहीं है, जैसे 2TB इसका नाम बदलेंगे इस पर राइट क्लिक करिए और रीनेम पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ज्ञान शिक्षण दे देता हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करिए और यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू रीनेम दिस, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर लेवल से हम थे तो ये ज्ञान शिक्षण नाम यहाँ पे लग गया, बट इसका जो ड्राइव लेटर है ई ये नहीं चेंज हुआ, तो ये भी चेंज करना है। इसके लिए आपको थोड़ा अलग स्टेप फॉलो करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिस पीसी ये जो आइकॉन आपके सामने है इस पर राइट क्लिक करिए और मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विजार्ड आएगा। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे जो हमने ड्राइव का नाम दिया था ज्ञान सेक्शन यहाँ पे ई है, इस पर राइट क्लिक करिए। उसके बाद में चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ई ड्राइव है, चेंज पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो ड्राइव का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डी देना चाहता हूँ तो ओके करता हूँ, यस करता हूँ, बस ये देखिए डी हो गया, यहाँ पे नाम भी आ गया ज्ञान सेक्शन डी। अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, अब देखिए ज्ञान सेक्शन डी, पहले क्या था 2TB ई, अब मैंने ज्ञान सेक्शन डी, तो दोनों चीज़ें इस वीडियो में मैंने कवर कर ली है। इस तरह के नए टेक्निकल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।